और देखिए दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक अमीन खान और बालिंदु शेखावत को निलंबित किया है। दोनों को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। ये जो ऑर्डर है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये ऑफिस ऑर्डर, जिसके अंदर आपको बता दें कि पूर्व विधायक अमीन खान और बालिंदु शेखावत को निलंबित कर दिया गया है। उनका टर्मिनेशन का ये ऑफिस ऑर्डर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और चलिए बात सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की, तो फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अभी इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने, और अगर आप भी हैं सिंगिंग टैलेंट तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि राजस्थान की 12 शहरों में सिंगिंग की दुनिया की टैलेंट को निखारा जा रहा है। इस कड़ी में कल से राजधानी जयपुर यानी कि गुलाबी शहर से सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की ऑडिशंस का आगाज हो जाएगा। जयपुर में आप देख पाएंगे कि 4 दिन तक ऑडिशंस चलेंगे। इसके अलावा जयपुर की वीदा पाणी ग्रहण में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही ऑडिशंस होंगे। वर्ल्ड फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इसके अलावा ऑडिशन में प्ले बैक सिंगर स्वरूप खान, सिंगर श्रद्धा पंडित और सिंगर राजा हसन जज के रूप में नजर आएंगे। रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज सुबह 7 बजे से हो जाएगा और कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ऑडिशंस को लेकर युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। जयपुर में होने वाले ऑडिशन में जयपुर संभाग के किसी भी जिले से युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल जयपुर संभाग ही नहीं बल्कि राजस्थान के किसी भी कोने से युवा अपनी सिंगिंग का टैलेंट दिखाने के लिए जयपुर के शो में हिस्सा ले सकती है। वर्ल्ड फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म एक और सुनहरा मौका लेकर आया है। जो युवा किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए तो उन्हें अब निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जाके सीधा जयपुर में आकर आवेदन कर सकती हैं और टैलेंट हंट शो में हिस्सा ले सकती हैं। आप अपनी आवाज का जादू भी खेल सकती हैं और अपनी आवाज का कमाल दिखा सकती हैं। जयपुर में 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को ऑडिशंस होंगे। तो आप सभी टैलेंट्स का इंतजार कर रहा है पूरा का पूरा जयपुर। और उधर एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। मेल मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरे एयरपोर्ट परिसर की तलाशी ली गई लेकिन इस दौरान कुछ भी नहीं मिला। इस पर एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस पूरे मामले को लेकर जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन एयरपोर्ट थाने में मामले दर्ज को करवाया। इस मामले की जांच साइबर टीम को भी सौंप दी गई है और जानकारी के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट की ऑफिशियल मेल आईडी पर ईमेल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। साथ ही में लिखा, मैं बेंगलुरु में बैठा हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। उसके बाद एयरपोर्ट सुरक्षा जवानों के साथ ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर जांच को शुरू किया लेकिन 1.5 घंटे की जांच में एयरपोर्ट एरिया में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद राहत की सांस ली गई। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल ई मेल पर राजेश नाम के व्यक्ति ने धमकी भरा मेल भेजा था। मेल में लिखा था कि जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 गेट पर काले रंग के बैग में बम रखा हुआ है। बम ब्लास्ट थ्रेटिंग मेल आया है और इस पर जो हम तुरंत यहाँ आए और बीडीएस टीम को, कंट्रोल रूम को, सभी को सूचना दी और सीआईएसएफ की बीडीएस टीम और हमारी बीडीएस टीम और डीसीपी साहब तुरंत मौके पर आ गए और सारा सब सर्च वगैरह किया है। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं और जो मेल आया उसके बारे में जाँच की जा रही है। बांसवाड़ा की गड़ी में भंडारिया तालाब के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। वहीं कार में केवल चालक ही सवार था जिसने अपनी सूझबूझ और सजगता से अपनी जान को बचाया। गनीमत रही कि आग लगते ही चालक कार से बाहर निकल गया। जानकारी के अनुसार भरत दास अपनी कार से बोरी से अपने घर जा रहा था। इस दौरान गड़ी के भंडारी तालाब के पास शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हो गया। वहां खड़ी लोगों ने गड़ी पुलिस और परतापुर गड़ी नगर पालिका को उसकी जानकारी दी। सूचना पर मौके पर गड़ी थाने का जाप्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और कोई भी जनहानि नहीं हुई।
और देखिए धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र की चौधरी बाग रोड पर कोर्ट के पास एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया। डिरावली गांव के दो लड़कों को कुछ बदमाशों ने अचानक गाड़ी में पकड़कर डाल दिया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसको लेकर आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी डिरावली निवासी जिहान सिंह ठाकुर ने राजाखेड़ा थाने में दी, जिसमें बताया कि मेरा भाई जयप्रकाश और मेरी बुआ की लड़की देवेश को बदमाशों ने पकड़कर गाड़ी में डालकर ले गए और मारपीट की, जिसके साथ मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ कर दी गई है और जयप्रकाश को अपहरण कर साथ ले गए। वहीं मामले पर राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए गए हैं। एसआई भर्ती मामले में गिरफ्तार 11 प्रशिक्षु एसआई और एक कांस्टेबल सहित एक दर्जन आरोपियों की हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट 1 मई से एक सप्ताह के अंदर सुनवाई पूरा करा और फैसला ले। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाकर हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अभिषेक विष्णुए सहित एक दर्जन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वेदांत शर्मा ने बताया कि जयपुर मेट्रो द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने आरोपियों को 12 अप्रैल को जमानत देने का आदेश दिया। उसके खिलाफ सरकार हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई के बाद सीएमएम के आदेश पर रोक लगा दी। पुलिस निरीक्षक पद से आरपीएस जूनियर स्केल पर पदोन्नत से जुड़े मामले में अदालती आदेश के करीब 8 महीने बाद भी पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को 2 मई को अदालत में पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा। यह आदेश जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने अनिल कुमार जसूरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि आदेश की पालना कर ली जाती तो एसीएस को पेश होने की आवश्यकता नहीं होती। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 को विभाग को निर्देशित किया था कि डीपीसी द्वारा बंद लिफाफे को ओपन कर प्रार्थी को आरपीएस जूनियर स्केल के पद पर पदोन्नति प्रदान करें, जबकि 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 2 मई 2024 को एसीएस होम को तलब किया। दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा स्वामी कौशलेंद्र प्रपरणाचार्य उर्फ फलहारी बाबा करीब 7 साल बाद अब जेल से बाहर आ पाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलहारी बाबा को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए। यह आदेश जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कौशलेंद्र प्रपरणाचार्य उर्फ फलहारी की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। फलहारी बाबा की पैरोल एप्लीकेशन को पैरोल सलाहकार समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक अलवर के रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था, जिसके बाद फलहारी ने अपनी पहली पैरोल याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लगाई थी। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि पुलिस अधीक्षक ने अपने रिपोर्ट के संबंध में कई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किए। वहीं आरोपी पिछले 7 साल से जेल में बंद है, ऐसे में वो अपनी पहली पैरोल पाने का अधिकार रखता है। आपको बता दें कि फलहारी बाबा पर छत्तीसगढ़ निवासी 30 वर्षीय युवती ने अलवर के आश्रम में रेप करने का आरोप लगाया था, उसके बाद से ही फलहारी बाबा जेल में बंद है। ट्रायल के बाद कोर्ट ने फलहारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जयपुर में युवक का अपहरण कर लूट की वारदात का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने वारदात की 6 आरोपी को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी विभिन्न कॉलेजों की बीटेक और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। रामनगरिया थाना इलाके में 10 अप्रैल को वारदात हुई थी। थार सवार बदमाशों ने कार सवार युवक का अपहरण किया था। अपहरण के बाद मारपीट कर उससे करीब 70,000 और 2 मोबाइल भी लूटे थे। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर आरोपियों तक पहुंच गई। अब आरोपियों से फिलहाल की जा रही है पूछताछ। अनूपगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सलीमपुरा के पास ट्रक और क्रूजर में भिड़ंत हुई। हादसे में 4 महिला सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 महिला की हालत फिलहाल गंभीर है। सभी मृतक कीकरवाली के निवासी बताए जा रहे हैं।